स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां पे हम बात करने वाले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में। हाँ, ऐसी कैंचियां जो हमारे डीएनए को काटती है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस सेशन में हम बात करने वाले फंक्शनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या क्या है, और फिर हम खास ध्यान देंगे फंक्शनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस के ओर, राइट। और देखेंगे कि इनके सोर्सेस कहाँ से आते हैं, कहाँ से हम इनको पा सकते हैं, और फिर इनकी कौन सी स्पेसिफिक साइट्स है, ये कहाँ पे स्पेसिफिकली कट करते हैं हमारे डीएनए को, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स है जो कि हमारे डीएनए को काट सकते हैं, और ये केवल बैक्टीरियाज में ही पाए जाते हैं। तो हम जितने भी दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आज इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, वो सब कहाँ से आते हैं? कोई ना कोई बैक्टीरिया से आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर काटते हैं। मतलब कहीं पे भी रैंडमली ये कट्स नहीं बनाते, इनको पता है कि हमारे डीएनए को कहाँ पे काटना है। तो ये कैसे है? ये हमारी मॉलिक्यूलर सीजर्स है, राइट। मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब भी हम डीएनए को काटते हैं, यूजुअली जब भी हमें आइसोलेशन करना होता है स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स का, तब हमें चाहिए होती है हमारी मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे डीएनए को स्कैन करते हैं और फिर स्पेसिफिक कट बनाते हैं एक ही जगह पे। सो अब हम जानते हैं कि हमारा डीएनए कैसा है। हमारा डीएनए है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और इस हेलिकल स्ट्रक्चर में जो स्ट्रॉन्ग बैकबोन इसे मिलता है, वो किससे मिलता है? वो इसे मिलता है फॉस्फो और शुगर से, राइट। तो शुगर फॉस्फेट, ये जो बॉन्ड्स आप देख रहे हो, ये सब के सब क्या करते हैं? हमारे डीएनए को एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन देते हैं, राइट। और इसमें जो एक न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड कौन सा हुआ? न्यूक्लियोटाइड हुआ जब हमारा एक शुगर मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट और एक बेस पेयर है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, हर एक बार जब भी वो कट बनाते हैं, तो वो एक न्यूक्लियोटाइड को निकालने की क्षमता रखते हैं, राइट। तो इस प्रकार हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वो हमारे डीएनए को कट करते हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे डीएनए को कैसे कट करते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आखिर में कहाँ से आते हैं? ये बिलोंग करते हैं न्यूक्लिएज ग्रुप के फैमिली को, राइट। तो जितने भी न्यूक्लिएज एंजाइम्स होती है, न्यूक्लिएज मतलब न्यूक्लियोटाइड को हटाने वाले, राइट, इसलिए उनको नाम दिया गया न्यूक्लिएज एंजाइम के अंडर आते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो है हमारा एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दोनों ही हमारे डीएनए के टेम्पलेट को अलग अलग रूप से काट सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारा एक्सोन्यूक्लिएसेस है, वो डीएनए को साइड से काट सकता है, और जो एंडोन्यूक्लिएसेस है, वो हमारे डीएनए को बीचों बीच काट सकता है। तो अब हम एंडोन्यूक्लिएसेस के बारे में और थोड़ा जानेंगे, क्योंकि इसको हम भरपूर मात्रा में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एंडोन्यूक्लिएस एंजाइम्स है, ये हमारे डीएनए को स्कैन करता है, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजिंग साइट्स को ढूंढ के फिर उसके आसपास, अगल बगल या तो फिर बीचों बीच उन्हीं रिकॉग्नाइजिंग साइट्स में कट बनाता है। तो ये जब भी स्कैनिंग करता है और फिर कट बनाता है, तो ये हमारे डीएनए को बीच में काटने की क्षमता रखता है। अब हम जानेंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये हमारे डीएनए को कैसे पहचानते हैं। ये हमारे डीएनए को स्कैन करते हैं और एक स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, आप जानते होंगे कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस किसको कहते हैं, जब भी हम कोई भी सीक्वेंस को उल्टा या सीधा पढ़े, अगर उसका मतलब सेम निकलता है, तो उसे हम कहते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ऐसी स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और ये हमारे डीएनए में इन्हीं सीक्वेंसेस को खोजता है, इन्हें हम कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग साइट्स, और वहां पे स्पेसिफिकली कट बनाता है। तो ये एग्जांपल है हमारे इको R1 का, जो पहचानता है GAATTC इस पैलेंड्रोम को। अब देखते हैं कि इनको हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब इनको नाम कैसे मिला इको R1, इसको ही देखेंगे। तो ई है एक्चुअली जीनस का नेम, कौन है? इकोलाई, राइट, हमारा फेमस इकोलाई बैक्टीरिया, तो उसके लिए ई को लिया गया। तो पहला लेटर हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है और वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को। वैसे अब को R1, अब कोलाई, राइट, कोलाई क्या हुआ? स्पीसीज नेम हुआ, इसलिए को और फिर
R1 क्या हुआ, उसका स्ट्रेन नेम हुआ। तो मतलब अब तक हमने क्या देखा कि जीनस, स्पीसीज, स्ट्रेन और फिर आखिरी में उसका ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब किस ऑर्डर में वो आइडेंटिफाई किया गया था। अब जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं इको R1, मतलब पहला जब हमने एंजाइम निकाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोलाई से, तो वो था हमारा इको R1। अब देखते हैं ऐसे कई सारे एंजाइम्स है जो अलग अलग बैक्टीरिया से हम लेते हैं, राइट, और इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रिकॉग्नाइजिंग साइट्स को खोजने में और उनमें कट बनाने में। तो ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हम इस सेशन में देखने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल। पहला है हिंट 2। अब हिंट 2 कहाँ से पाया गया, मतलब इसका सोर्स क्या था। हिंट 2 का सोर्स है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ये किस सीक्वेंस को पहचानता है, ये पहचानता है TTCGAA, इस पैलेंड्रोम को पहचानता है। और कट कहाँ पे बनाता है, ये जो डबल ए है ना, AA, इस जगह पे इसका नीक बनाता है। अब ऐसे नीक करने की वजह से क्या होगा कि हमें दो अलग अलग DNA के टुकड़े मिलेंगे जो है स्टिकी एंड्स, राइट, जो कि हैंग ओवर्स है ना, तो उसे हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। तो आप देख रहे हो इसका प्रोडक्ट कैसे आया, एक जगह पे हमें मिला है TTCGA और सिर्फ A, इसका अपोजिट दूसरी साइड पे है, राइट। तो ये दो स्टिकी एंड्स हमने हमारे DNA के ऊपर बना लिए, किसकी मदद से, हिंट 2 की मदद से। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसको हमने निकाला है ज़ांथोमोनास माल्वेसेरम से। तो ये है हमारा ZAM1, राइट। तो अब इसे हम कैसे देखते हैं, ये पहचानता है हमारे इसकी रिकॉग्नाइजिंग साइट को। तो ये कौन सी रिकॉग्नाइजिंग साइट है, इसकी रिकॉग्नाइजिंग साइट बड़ी ही आसान है याद करने के लिए, वो है हमारा CCC GGG, राइट। तो CCC और CGG में ये निक किसके बीच में बनाता है, ये निक बनाता है हमारे CC में, जो पहले CC है, राइट, उनके बीच में ये कट बनाता है। और इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, इसका प्रोडक्ट भी स्टिकी एंड्स होगा कुछ इस प्रकार, राइट। तो अब और एक एग्जांपल लेंगे, वो है हमारा BAM H1, बड़ा ही फेमस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहाँ से पाया गया, ये पाया गया था हमारा बैसिलस एमिलो लिक्विफिकेशन से। तो इस बैक्टीरिया से जब हमने BAM H1 को निकाला और देखा, तो ये किस पैलेंड्रोम को रिकॉग्नाइज करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है GGATCC को, और निक कहाँ पे बनाता है, GG के बीच में, राइट। तो अब फिर आप बोलो कि इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, फिर से ये होगा स्टिकी एंड्स कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये हमें अभी तक स्टिकी एंड्स मिल रहे हैं, स्टिकी एंड्स प्रीफर किए जाते हैं, इसीलिए प्रीफर किए जाते हैं ये एंजाइम्स। लेकिन हालांकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमें ब्लंट एंड्स भी दे सकते हैं, जो कि एक साथ काटेंगे, राइट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो आता है हमारा TAC1 से। TAC1 कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ से है, इसका सोर्स है थर्मस एक्विटिकस से, राइट। तो थर्मस एक्विटिकस क्या पैलेंड्रोम को रिकॉग्नाइज करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है TCGA को, और कट बनाता है T और C के बीच में। अब प्रोडक्ट कैसा होगा, फिर से स्टिकी एंड होने वाला है, राइट, कुछ इस प्रकार। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, उनके सोर्स और रिकॉग्नाइजिंग साइट्स। तो इस सेशन में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो DNA को कट करने वाले एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये बिलोंग करते हैं न्यूक्लियस फैमिली को और होते हैं दो टाइप के, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। और इसके साथ ही हमने कई सारे एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से, राइट। उसके साथ मैंने कुछ और ऐड कर दिए, तो आप इसे पॉज करके चाहे तो नोट डाउन कर लो कि ये कौन से एंजाइम्स है, कैसा सोर्स है, इसका कटिंग साइट्स क्या है, और किस प्रकार का एंड में ये कट बनाता है, स्टिकी या ब्लंट। तो होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बट कीप लर्निंग।